फर्नीचर आपको दिख रहा है सारा का सारा सिल्वर का फर्नीचर, पूरा का पूरा सिल्वर का। ये फिर आ गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। आज का ब्लॉग मैं राजस्थान की डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर से स्टार्ट कर रहा हूँ और आज मैं जैसलमेर की सिटी को एक्सप्लोर करूँगा। जैसलमेर सिटी एक्सप्लोर करने की एक खास वजह ये कि ये ना इंडिया में, पूरी इंडिया में आपको सबसे डिफरेंट सिटी दिखेगी। वो डिफरेंट क्यों? डिफरेंट इसलिए कि ये बिल्डिंग्स को लेके डिफरेंट है यहाँ। तो गाइस ब्लॉग के साथ बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और गाइस अगर आप भी जैसलमेर में आते हो तो यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग जगह हैं घूमने के लिए। जैसलमेर फोर्ट, इंडो पाक बॉर्डर, गडसर लेक, तनोट माता मंदिर, बगड़े बाग और जैसलमेर वार म्यूज़ियम। गाइस अभी आप सामने जैसलमेर फोर्ट देख सकते हो। अभी तो हमारे पास टाइम है, इसकी एक अलग से वीडियो मैं बनाऊँगा, कोशिश करूँगा एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। और गाइस ये सिटी डिफरेंट पता क्यों है? देखो, ऐसे होटल कभी आपने पहले देखे होंगे यार? यहाँ के होटल, रेस्टोरेंट, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, जो भी जितनी भी, सब एक जैसी। कोई अभी मैं आपको लेके आया हूँ हनुमान चौराहे। ये जैसलमेर का सबसे मेन चौराहा। तो गाइस मार्केट घूमने के बाद फिर मैं जैसलमेर के एक मंदिर पैलेस में चला गया। यहाँ पे कुछ पुरानी ओल्ड आइटम्स रखी हुई हैं जब राजा महाराजा के टाइम की। तो चलो चलते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या आइटम्स देखने को मिलती हैं। तो चलो फिर आए चलें पैलेस में। तो गाइस पैलेस के बीच में दो हाल थे तो मैं पहले हाल में आ गया। इसका इंटीरियर बहुत ही बहुत ज़बरदस्त। ये सामने राजा के फ़ोटोज़ लगे हुए हैं, कुछ पुरानी ओल्ड पिक्चर्स फ्रेम करके लगाई हुई हैं। तो यहाँ पे कुछ उनका जो भी पुराने ओल्ड आइटम्स वगैरह संभाल कर रखी हुई। ये देखो, ये फर्नीचर राजा के टाइम का था और ये पूरा का पूरा फर्नीचर सिल्वर का बना हुआ है। पूरा का पूरा सिल्वर का फ्रेम लगा हुआ है इनको। तो यहाँ पे कॉर्नर में कुछ कॉइंट्स रखी हुई, ये कॉइंट्स भी राजा के टाइम की कॉइंट्स हैं। तो इनकी टोटल तब थी 1750 रुपीस तब थे ये, तो आज का पता नहीं। तो और गाइस ये जो बिस्तर आप देख रहे हो ये भी राजा का ही बिस्तर था। तो एक बार फिर से देख लो आप, जो फर्नीचर पूरा का पूरा ये फर्नीचर सिल्वर का बना हुआ है। इसको फ्रेम, टेबल्स वगैरह सब सिल्वर की। तो जब राजा गेम्स वगैरह भी तब खेला करते थे तो तब गेम एक ही हुआ करती थी, वो थी चेस। और ये जो जितने भी चेस के गेमर बने वो पूरे ब्रास और कॉपर। तो गाइस बाहर से ये पैलेस कुछ इस तरह का दिखता है, बहुत ही शानदार, और अंदर से भी बहुत ही शानदार था ये। तो अब बारी है दूसरे सेकंड हॉल की, तो चलो चलते हैं वहाँ भी। जो पुरानी ओल्ड आइटम्स होंगी वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर। गाइस यहाँ पर ये पत्थर रेड़े के ऊपर क्यों रखे हैं इनकी मुझे समझ नहीं आई, आपको पता होगा तो बताना। तो गाइस ये वाला हॉल बाहर से कुछ इस तरह का दिखता है, तो चलो चलते हैं अंदर। तो गाइज़ अंदर इंटर होते ही हमें जितनी भी जो भी आइटम्स दिखेंगे वो सारी की सारी ओल्ड आइटम्स से थी। तो ये इसमें मैक्सिमम हमें खाना बनाने में जो आइटम्स यूज़ होती हैं तो वो दिखेंगे। तो चलो फिर चलो देखते हैं हमें क्या क्या आगे देखने को मिलता है। तो स्टार्टिंग में हमें ये देखो, ये बर्तन दिखे, खाना बनाने के बर्तन। और ये बर्तन जितने भी बने हुए सारे ब्रास और कॉपर के बने हुए। ये देख सकते हो, मैं एक चक्की भी दिखी थी जो ओल्ड टाइम पुराने ज़माने में इसी चक्की का इस्तेमाल करते थे लोग, सॉरी राजास लोग भी तो यही करते थे। यहाँ पे भी कुछ और बर्तन हमें देखने को मिले थे, ये सब के सब कॉपर और ब्रास के बने हुए। तो चलो फिर आगे जितने जो जो देखने को मिलता है तो हम आपको दिखाते रहेंगे।
तो गाइस यहाँ पर आकर कुछ और हमें उनका सामान वगैरह दिख रहा है। ये पता नहीं मेरे को इनका पता नहीं क्या है, ये उनका है, इसके में सॉन्ग वगैरह सुनते हैं वो पुराने टाइम में ही हो। ये इनके वेपन्स आगे गन वगैरह आगे, गन देख सकते हो पुराने ज़माने की, पुराने आज से 200 साल पहले की गन्स। तो उसके बाद हमें इस साइड आ गया दूसरे वाले साइड, तो इधर भी कुछ खास तो नहीं मिला देखने को, चले आगे और चलते हैं। ये उनका ढोल आ गया, तो चलते हैं अभी आगे। और तो गाइस ये जो आइटम्स आप देख रहे हो ये सारी के सारी ऑफिशियल कॉम के लिए यूज़ करते होंगे, जैसे स्पीड राइडर हो गया, इनका स्कैनर हो गया। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, तो इसी तरह के और ब्लॉग देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स विद गुरदीप को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।